हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं आज का ब्लॉग जो है सीधे खाने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो बन रहा है पालक पनीर बन रहा है। पालक जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में और कढ़ाई जो है गरम हो रही है, तेल चढ़ा दिया है। और देखिए सिंपल सा छौंक लगाने वाली हूँ मैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च है और अदरक से। इतना अच्छा लगता है सिंपल तड़के से ही ये पालक पनीर, बहुत यमी होता है चॉप करके। मुझे ना पीसा हुआ मसाला पसंद नहीं आता है, मिक्सी में कई लोग ग्राइंड कर बनाते हैं, बट ऐसा आप बनाना बहुत यमी बनता है। जीरा से छौंक लगाना है। अब उसके बाद मैं हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी और प्याज वगैरह सब डाल देते हैं धीरे धीरे। प्याज अदरक डाल देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद टमाटो डालूंगी। तो देखिए प्याज और अदरक डाल दिया है, जो हरी मिर्च है अच्छी करारी हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने इसे डाला है। और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, पिंकिश सा हो जाए तब फिर उसके बाद टमाटो ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता देती हूँ इसमें जो भी आपको गर्म मसाले, जैसे मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और जो थोड़ा सा गर्म मसाला आप जो भी खाते हैं वो थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। बस प्यूरी भी डाल दीजिए, आपका पालक पनीर जो है ना फटाफट रेडी हो जाता है। मित्रों आप देख सकते हो हमारी जो सब्जी के लिए, पालक पनीर के लिए जो तड़का है वो हमारा रेडी हो चुका है। और देखिए अच्छे से भुन गया है, सारा गरम मसाला वगैरह डाल के सब भुन गया है। अब इसमें हम जो पालक है वो ऐड कर देते हैं। तो देखिए पालक कितना अच्छा लगता है ना, इसमें बहुत आयरन होता है, हेल्दी होता है। वेट लॉस के टाइम में ना आप बहुत अच्छे से आप पालक का ना इनटेक करें, बहुत यमी होता है। मैं तो है ना ठंडियों में पालक टमाटर मटर गाजर ये बहुत ले रही हूँ। इससे क्या होता है वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलता है। तो बिल्कुल आप इसे बिल्कुल ट्राई करें, ठंड भर वेट लॉस का सबसे अच्छा सोर्स है ये। गाइस पनीर जो है मैंने कट कर कर रख लिया है, पालक पनीर इधर हो रहा है। बट देखिए नाइट का टाइम है, मैं ये नहीं खाऊंगी, पालक पनीर बना जरूर रही हूँ मैं। ये देखिए ये मूंग दाल है, मैं अपने लिए आज रात को स्प्राउट नहीं बनाई, भूल गई थी मैं स्प्राउट को भिगाने के लिए, भिगो कर रखना रहता है तो मैं सोप नहीं करी थी। तो मैं दाल बना रही हूँ, दाल को है ना इसको सूप जैसे ही, ऐसे जैसे सूप पीते हैं वैसे मैं दाल पीऊँगी, एक कटोरी दाल बना दे रही हूँ। तो आज रात को मैं ये खाने वाली हूँ, क्योंकि आपको वेट लॉस के समय में ना रात को बहुत लाइट चीज़ लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रात को कभी कभी जैसे अगर आप स्प्राउट वगैरह नहीं ले सकते, थोड़ा सा पनीर के पीसेस ले लूँगी मैं, साथ में दो तीन पनीर के पीसेस मैं ले लूँगी और दाल पीऊँगी आज मैं। सो फ्रेंड्स पीहू के लिए मैं पराठे सेक रही हूँ। और देखिए घर में आप ना सबको बना कर दोगे सब चीज़, पर आपको खुद में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस आप देख सकते हो पीहू को मैंने दे दिया और ये देखिए दाल मैंने बना लिया है, सिर्फ हल्दी और नमक डालकर और इसे ठंडा कर कर, थोड़ा सा बहुत गर्म है, ठंडा कर कर रात को बस मैं यही खाऊँगी आज। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है और आगरा की इतनी फॉगी मॉर्निंग, ऐसा ही डेली हो रहा है। और सुबह सुबह उठो ना तो पूरा नीचे गीला रहता है, मतलब फॉग का इतना वो रहता है, रात भर में पूरा गीला हो जाता है। और ये 21 जनवरी का जो मॉर्निंग है, और आप देख सकते हो मैंने ना झंडा जो है एक दिन पहले ही पूरा पूजा कर कर लगा दिया था, क्योंकि एकादशी था उस दिन। तो मैंने बोला शुभ दिन है, शुभ दिन में मैं झंडा लगाऊंगी। तो अच्छे से मंदिर में पूजा पाठ किया, अच्छे से झंडे की भी पूजा की, उसके बाद मैंने स्थापित किया अपने बालकनी में लगाया। तो मुझे ना बहुत प्राउड मोमेंट ये था कि हम इस ऐतिहासिक जो दिन के है ना जो साक्षी बन पा रहे हैं और अपने सामने ये देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और राम जी के नाम से पता नहीं क्यों मुझे एक अलग ही अटैचमेंट होता है, अजीब सा, मतलब वो एक खिंचाव बोलते ना वो चीज़ है मेरे साथ राम जी के नाम से। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, अंकित जी नहीं थे, उसके बाद भी मैंने हर चीज़ की जो करना चाहिए था अकेले ही मैनेज किया। गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आज का व्लॉग जो है मैं नाइट से स्टार्ट की थी और मॉर्निंग में अभी देखिए नहा धोकर इतनी ठंडी में, आज एकादशी भी है तो फटाफट नहाकर पूजा पाठ किया और आज के दिन मैंने झंडा भी लगा दिया है। और कल हम आराम से पूजा पाठ करेंगे और दीपोत्सव मनाएंगे, फिर से दिवाली मनाएंगे।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो धूप निकल चुकी है, और धूप निकला ना तो मैंने तो यहाँ चटाई लगा ली, और चटाई लगाकर यहाँ पे गाजर छीलने लगी, क्योंकि मैं कल जो है राम जी के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन गाजर का हलवा, खीर, पूड़ी और सब्जी बनाने वाली थी। तो बस यही धूप के मज़े ले रहे थे हम लोग। जब धूप निकल जाता है ना तो हम दोनों माँ बेटी यही चटाई लगाकर बैठे रहते हैं, और अच्छा धूप आता है। अभी देखिए हम धूप से ना इतना देर तक धूप में बैठे थे, और सीधे रहो, सीधे रहो, शर्म भरो नहीं आती सीधे रहने की, सीधे तो रहती ही नहीं है बिल्कुल। बस इसको है ना चाउमीन खाने का मन कर गया, और बस जैसी बैठी थी वैसे ही तैयार हो गई, फटाफट पर्स लिया मैंने और इसके लिए चाउमीन लेने जा रही हूँ। टाइम आप देख सकते हो 3:30 हो रहे हैं, 3:30 बजे से चाउमीन खाने की तलब हो गई है। अब 11 नंबर की बस यानी कि पद यात्रा करते हुए हम जा रहे हैं चाउमीन लेने के लिए, और मार्केट का भी हाल देखते हैं कैसे है। एक दिन पहले 22 से एक दिन पहले कैसे लग रहा है मार्केट। मेरे न्यू हैट, तो चलें चाउमीन लेके आते हैं। सो फ्रेंड्स, हम निकल पड़े थे वॉक करते हुए, मेरा इवनिंग का वॉक हो गया, अब अलग से मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट में तो बहुत धूम मची हुई थी, झंडे हर जगह, भगवा कलर छा गया था, मज़ा आ रहा था देखकर, रियली मार्केट की रौनक देखकर मज़ा आ गया। सब जगह लाउड स्पीकर में है ना भजन चल रहा था राम जी के नाम का, और यहाँ मैं चाउमीन पैक करा रही थी। हम यहीं से हमेशा चाउमीन लेते हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस मतलब थोड़ा दूर तो है, पर पीहू को खाना था तो उसके लिए आई, और इसका लूज मोशन हो रहा था, उसके बावजूद भी है ना ये नहीं मानी। उसके लिए मैं मेडिसिन ले रही थी, मेडिसिन लेकर फिर उसके बाद इसको घर में जाकर खिलाऊंगी। तो फिलहाल तो चाउमीन पैक करा लिया, मेडिसिन ले लिया, सारा काम हो गया। अब इसके बाद घर चलते हैं और देखिए पीहू के लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे। तो देखिए चाउमीन का प्लेट जो है मैंने लगा दिया पीहू के लिए, आप भी आ जाएं फटाफट खाने के लिए। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ।